गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्राई करेंगे ग्रेप्स की चटनी। मैंने यहाँ पे ग्रेप्स धो के अच्छे से अलग कर लिए हैं। आधे ग्रेप्स हम डालेंगे ब्लेंडर में, बाकी के आधे जो हैं हम रख लेंगे क्योंकि वो हमारे बाद में यूज़ होंगे। ये ग्रेप्स ब्लेंडर में जा रहे हैं और इनको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, इनका जूस निकालेंगे। तब तक हम एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑफ घी। आप घी की जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिया साबुत काली मिर्च। आप काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च को मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसके अंदर जाएगा पैन के अंदर जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च का जो हमने अभी भी पीसी थी। इसे अच्छे से हम सॉट कर लेंगे। जब ये इसकी खुशबू आने लगे हल्की हल्की, इसमें जाएगा आपका ग्रेप्स का जूस। और ग्रेप्स का जूस देखिए एकदम से ऐसे जाएगा तो इसमें बबल्स होंगे। अगर मैं चिमनी ऑन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा धुआं धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है, इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े मसाले। इसके अंदर जाएगा हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च, काली मिर्च हम डाल चुके हैं, थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी जो हमारी है लाल मिर्च। तो इसके अंदर जो है जायका अलग से ही आ जाएगा। तो ये देखिए आप खट्टी मीठी हो जाएगी। ये इसके अंदर पहले से खट्टा मीठापन तो था ही, अब हम इसके अंदर डालेंगे शक्कर। आप लोग शक्कर की जगह इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गुड़ का भी। शक्कर और गुड़ से जो है इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल आ जाएगा। ये देखिए ये 2-3 मिनट्स के बाद का कलर है, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगी। और हम बाकी बचे हुए ग्रेप्स इसके ऊपर से डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए। अब देखिए ये कुछ ऐसी हो जाएगी और अब हम इसे प्लेटिंग कर देंगे। ये मैं एक टोरी में डाल रही हूँ इसे निकाल के। और गाइस आप ठंडी होने पर इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, परांठा, रोटी, ये आलू के परांठे के साथ और चाहे सादी रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।